हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे नॉर्मली आई शो ऑफ माय प्रोजेक्ट वीडियोस एंड समटाइम्स पोस्ट ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू मेक देम, बट आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है। आज हम सीखेंगे हाउ नॉट टू मेक ए प्रोजेक्ट, एंड हमारा आज का स्पेशल गेस्ट है दिस गाय। बट उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन टू यू हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो कुछ टाइम पहले आई मेड माई ओन रोबोटिक्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। इसमें वो सारे कंपोनेंट्स थे विच आई नॉर्मली यूज इन माई प्रोजेक्ट्स। सो द आइडिया वॉज, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग अ न्यू सिस्टम, आई कैन जस्ट टेस्ट आउट फ्यू की कॉन्सेप्ट जैसे कि एल्गोरिथम्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स ऑन दिस। इससे टाइम एंड पैसा दोनों बचेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। स्टार्टिंग में इट वॉज ओके, थोड़ी बहुत गड़बड़ थी लेकिन अपना काम चल रहा था अनटिल सर्दियाँ आ गई। आई एम करंटली लिविंग इन सिंगापुर विच इज़ एन आईलैंड। इसके चारों तरफ पानी है एंड इट इज़ ऑल्सो क्लोजर टू द इक्वेटर। सो यहाँ पर विंटर सीजन का मतलब है बारिश। एंड बिकॉज मेरे रूम में टेस्टिंग के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, सो मुझे बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है जो किसी भी रैंडम टाइम पे हो जाती है। इसी वजह से आई हैड टू स्टॉप वर्किंग ऑन फ्यू ऑफ माय बिगर प्रोजेक्ट्स। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। देखो, रोबोटिक्स एंड मेकिंग थिंग्स इज माई हॉबी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड आई डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब और समवन एल्स फॉर मेकिंग दिस वीडियोज। I do have a full-time job which is totally different from this channel, so in projects ko complete karne ke liye I have to give all my personal time, and upar se YouTube ne mere channel pe zabardasti ads on kar rakhe hain jiska pura revenue YouTube pe jata hai. I don't get anything and iski wajah se log pura video nahi dekhte hain and they don't subscribe. So please like, share and subscribe my channel if you're interested in 3D printing, robotics or exploring technology in general. Main kuch bhi aisa ulta seedha banata rehta hu. So is barish se deal karne ke liye maine socha ki bahar hi nahi jayenge. And I decided to make a desktop size version of my bot, or should I say a desk bot, जिसे हम कम स्पेस में भी यूज़ कर सकें जैसे कि हमारी वर्क डेस्क। Normally when I start a project, it takes me months or sometime weeks to finish it. पहले एक concept drawing बनाओ, then CAD modeling, then 3D printing, assembly, and इतना सब करने के बाद भी there is no guarantee that it will work. So इस बार project start करने से पहले I set a few ground rules to finish this project quickly. रूल नंबर वन, डिज़ाइन शुड बी एक्सट्रीमली सिंपल ताकि हर कोई इसे बना सके। नेक्स्ट, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मेरे पास जो ऑलरेडी स्टॉक है आई एम गोइंग टू यूज़ दैट, विल नॉट बाय एनीथिंग न्यू। एंड लास्ट इज ईजी इंटीग्रेशन, मतलब एकदम सिंपल कोड जिसे हम आने वाले अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ईजिली इंटीग्रेट कर सकें। एंड आज का ये वीडियो इसी लास्ट स्टेप के ऊपर है। मुझे लगा था काफ़ी आसान हुआ करना लेकिन इट वॉज नॉट। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि हमारा ये छोटू डेस्क बॉट काम कैसे करता है। माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू कीप दिस प्रोजेक्ट सिंपल, सो इसीलिए चैसी में सिर्फ तीन छोटे 3D प्रिंटेड पार्ट्स लगे हुए हैं एंड इसमें सिर्फ दो N20 मोटर्स लगी हुई हैं। नॉर्मली मैं व्हील्स भी 3D प्रिंट करता हूँ, बट इस बार हमने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। सो चार में से दो व्हील्स आई बॉट ऑनलाइन टू गिव दिस अनयूजुअल लुक। एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग तो नीचे कमेंट में बताओ मुझे कि डिज़ाइन कैसा लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ दो मोटर यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हमारी बैटरी का साइज भी छोटा है। सिर्फ एक 3 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी से हमारा पूरा सिस्टम चलेगा, इंक्लूडिंग हमारा माइक्रो कंट्रोलर नोड MCU विच हैज़ बोथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ इनबिल्ट। एंड बिकॉज आई हेट सोल्डरिंग, सो आई डिसाइडेड टू यूज नोड MCU मोटर शीट। इसमें मोटर ड्राइवर ऑलरेडी है, सो नो एक्स्ट्रा वायर्स, हमें सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर को इसके ऊपर फिट करना है एंड वी आर डन। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, विच इज कोडिंग। इफ यू आर यूजिंग Arduino, कोड अपलोड करने का प्रोसेस काफी सिंपल है, जस्ट कनेक्ट योर बोर्ड एंड हिट अपलोड। बट इफ़ यू यूजिंग ESP32 बोर्ड, हमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है विच इज एडिंग अवर बोर्ड इन Arduino IDE। ये प्रोसेस सिंपल है, हमें बस एक लिंक Arduino के प्रेफरेंसेस वाले सेक्शन में पेस्ट करना है एंड हमारा बोर्ड ऑटोमेटिकली सपोर्टेड बोर्ड वाली लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन देयर इज अ कैच, अगर हम कोई फेमस ESP32 बोर्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक दिस तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं है तो कोड अपलोड करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उस दिन पहले यही प्रॉब्लम हुई थी हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ। डिस्कॉर्ड पर काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। सो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, नीचे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, यू कैन रीच मी देयर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ द कोड इटसेल्फ। देखो, ये काफ़ी पुराना बोर्ड है, सो मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर किसी ने एक सिमिलर प्रोजेक्ट बनाया होगा। सो मैंने थोड़ा सर्च किया और मुझे जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले सब में एक ही कमी थी, किसी में भी स्पीड कंट्रोल नहीं था। मे बी बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट्स एक आर्टिकल या एक वीडियो के लिए क्रिएट किए गए थे, बट आई एक्चुअली वॉन्ट टू यूज़ दिस ऑन रेगुलर बेसिस। सो मैंने भी इनमें से एक सिंपल प्रोजेक्ट चूज़ किया एंड डिसाइडेड टू इम्प्रूव इट बाई डूइंग जस्ट वन थिंग विच इज़ चेंजिंग डिजिटल राइट फंक्शन टू एनालॉग राइट, एंड नाउ वी हैव स्पीड कंट्रोल। लेट मी एक्सप्लेन, किसी भी मोटर ड्राइवर में हमें दो इनपुट चाहिए होते हैं, एक है मोटर का स्पिन डायरेक्शन एंड नेक्स्ट इज मोटर की स्पीड। और ये करने के लिए हर कोई इंटरनेट पे एक ही चीज़ कर रहा था विच इज़ यूजिंग डिजिटल राइट फंक्शन, विच इज़ ओके, बट अगर हमें चाहिए स्पीड कंट्रोल वी नीड टू यूज़ एनालॉग राइट फंक्शन।
दोनों कमांड एक ही काम करती हैं, बट इफ़ यू यूजिंग डिजिटल राइट, हमारा आउटपुट सिग्नल या तो लो होगा या तो हाई होगा, बीच में कुछ नहीं। ऑन द अदर हैंड, एनालॉग राइट फंक्शन में हम लोग इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं बाय पासिंग एन इंटीजर वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट, एंड एज अ रिजल्ट इस सिग्नल की स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेट करेगी हमारी मोटर की स्पीड से। ये चीज़ मैंने भी नोटिस नहीं की थी, लेकिन फाइनली काफ़ी घंटे वेस्ट करने के बाद वी हैव स्पीड कंट्रोल। ये है वर्जन 0 हमारे डेस्क पॉड का, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं चेंज करना चाहूँगा, जैसे कि इसके व्हील्स, एक छोटा है एक बड़ा। दिस वॉज नॉट इंटेंशनल, बिकॉज व्हील का डायमीटर लेते हुए आई ब्रोक माई कैलिपर एंड मुझे डायमीटर गेस करना पड़ा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एड फ्यू सेंसर्स, बिकॉज इसमें अभी भी काफ़ी जगह खाली है, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट इवन स्मॉलर।